आप में से कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट ये था कि सर हमने 11th क्लास पास कर लिए तो क्या हम 11th के बाद एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं वो एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो का एंड तक बने रहना। सबसे पहली चीज, अगर आप इंडिया एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप भारतीय नागरिक हो यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या फिर आप इस सब्जेक्ट ऑफ नेपाल इस कैटेगरी में आते हो, या फिर ये थर्ड जो है कंडीशन आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेशनैलिटी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हमने आपको बता दिया, और यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप इंडिया एग्जाम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो जरूरी है कि आप अनमैरिड हों यानी कि अविवाहित हों। आप महिला उम्मीदवार हैं या फिर पुरुष उम्मीदवार हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई है, आप जब भी अप्लाई करें उस साल का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप उसको देखें, उस अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, और 11th वाले स्टूडेंट्स एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है आइए हम आपको दिखाते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई, यहाँ पर यह मेंशन किया गया है कि अगर आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं एनडीए एग्जाम के थ्रू, अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 12th के समकक्ष परीक्षा पास की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपने 12th जो है साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया हो, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेंशन है कि जो स्टूडेंट्स 12th अपीयरिंग वाले हैं, मतलब जो 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि 11th वाले स्टूडेंट्स एनडीए का जो एग्जामिनेशन है वो दे सकते हैं, एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। मतलब कि 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एनडीए एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर यह लिखा होना चाहिए कि 11th वाले एलिजिबल नहीं है, तो ऐसा लिखा हुआ है। ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम ओपन करके सारी चीजें आपको बता रहे हैं। देखिए नोट वन, कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द 11th क्लास एग्जाम आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। जो 11th क्लास अपीयरिंग स्टूडेंट हैं वो एनडीए एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप 12th में आ जाते हैं, 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं देन अप्लाई कर सकते हैं, बट 11th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, तो अगर आप 11th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं और आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से 11th की पढ़ाई करें और 12th में आ जाएं, 12th में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 12th में आने के बाद, ठीक है। तो ये चीज है, ये वीडियो जानने के लिए आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर क्लिक, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ेगा। धन्यवाद।